का साइन लेते हैं और टमाटर का साइन लेते हैं। टमाटर के वैरायटी का नाम है काशी अमन और बैगन जो लेते हैं वो काशी संदेश। जब हम दोनों का सीड लगाते हैं, हम ग्राफ्टिंग करने से पहले क्या करते हैं कि बैगन का सीड अलग लगाते हैं और टमाटर का सीड अलग लगाते हैं। 20 से 25 दिन पे ये पौधे जब तैयार हो जाते हैं, 20 से 25 दिन के जब पौधे होते हैं, जिसे हम नर्सरी स्टेज या सीडलिंग बोलते हैं, उस स्टेज पे हम ग्राफ्टिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग क्लिप ग्राफ्टिंग और साइड ग्राफ्टिंग इसमें दोनों होता है। ग्राफ्टिंग करने के बाद उसे हम चैम्बर में रखते हैं। उस चैम्बर में रख कर 3 दिन बाद हम उसको निकालते हैं, जब इसमें पौधे सेट हो जाते हैं, जो ग्राफ्टिंग किया जाता है वो सेट हो जाता है। उसके बाद हम लोग इसको फील्ड पर लाकर ट्रांसप्लांट कर देते हैं और इसका देखभाल करते हैं। और ये एक ही पौधों में क्या टमाटर और बैगन निकलता है एक ही पौधे में ग्राफ्टिंग के। मतलब सुना होगा कि फलों में, आमों में 50 वैरायटी 15 वैरायटी लगे हैं। अब इसमें वेजिटेबल का काम ग्राफ्टिंग का चल रहा है। तो अब जैसे कि होता था कि बैगन में एक आती है उखिया बीमारी वाइल्ड, इससे निमाटोड से ज़्यादा होता है तो उखड़ जाता था, मतलब पौधे सूख जाते थे। तो बैगन में अब इसके ऊपर बैगन इसलिए किया गया है, जो वाइल्ड वैरायटी होती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं ज़्यादा होती हैं किसी भी पौधे की, तो उस पर ग्राफ्ट किया गया है। तो इसमें पहले तो बैगन पर बैगन ग्राफ्ट किया गया था, लेकिन अब इस पर बैगन और टमाटर दोनों ग्राफ्ट किया गया है। तो एक पौधे से कम 2 से 2.5 किलो टमाटर और 2 से 2.5 किलो बैगन इससे हार्वेस्ट किया गया। सर, बैगन और टमाटर एक साथ ग्राफ्ट करने का कोई खास रीजन, मतलब कोई और वेजिटेबल भी ले सकते हैं या कोई खास? पहले था कि इसमें जैसे हम बैगन पर पहले टमाटर ग्राफ्ट किया गया था, क्योंकि टमाटर होता है जैसे अपने इस प्लाट में लगा दिया टमाटर, बारिश 3-4 घंटा हुआ, प्लाट मतलब पानी पूरे प्लांट में 5-6 घंटे 8 घंटे रह गए, जिससे प्लांट पौधे मर जाते थे। टमाटर की पौधे जो बैगन के पौधे हैं उसके पानी के प्रति सहनशीलता ज़्यादा होती है, कम से कम 72-90 घंटे तक होती है। अगर उसके जड़ बूढ़े हुए हैं 72 घंटे तब कभी वो नहीं मरता था। उसके पर्पज़ से ग्राफ्ट किया गया था कि टमाटर को उस पर ग्राफ्ट किया गया था कि लोगों किसानों को लगाते थे टमाटर तो बुझा जाते तो टमाटर खराब ना हो, बैगन के साथ वो चल जाएगा जहाँ पे पानी ज्यादा लगता हो, ज्यादा लगता यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज की इसमें प्रतिरोधक क्षमताएं ज्यादा होती है बैगन। हाँ, अब ये किचन गार्डन और अर्बन मतलब शहरी एरिया के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप 2-4 पौधे अगर लगा रहे हैं लगा सकते हैं। आप उसमें है कि आपको एक इससे आपको टमाटर भी मिलेगा, आपको बैगन भी मिलेगा, एक फैमिली के लिए पर्याप्त हो जाएगा। हाँ। क्योंकि ग्राफ्टिंग तभी सक्सेस है, एक ही फैमिली को होना चाहिए, अलग फैमिली का होगा तो ग्राफ्टिंग नहीं होगा। जैसे खीरा का ग्राफ्ट किया जाता था, जैसे करेले कर दिए या नेनुआ कर दिए, तो खीरे की प्रोडक्शन बहुत अच्छी बढ़ जाती है, क्योंकि खीरे की जड़ बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, लेकिन नेनुआ और करेले की जड़ें बहुत ज़्यादा नीचे तक जाती थी, ज़्यादा अपटेक न्यूट्रिएंट करता था, जिससे खीरे ग्राफ्ट किया था खीरे की प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो गई और उसमें कम रोग आए। इसीलिए अब ग्राफ्टिंग का काम चल रहा है। ये इंडिया में ब्रिमेटो का पहला ग्राफ्टिंग है, पूरे वर्ल्ड में ब्रिमेटो यहाँ पे डॉक्टर आनंद बहादुर सर है, उनके द्वारा ये नया टेक्नोलॉजी लाया गया है। डॉक्टर आनंद बहादुर उन्हीं के द्वारा डेवलप, इसका साइंटिस्ट है। आप लोग बता दीजिए कि उधर भी लगा हुआ है।